नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और मेरे चैनल आरपीएससी ए टू जेड पर। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, वो अब बहुत जल्द पूरा होता दिख रहा है। अभी तक 3500 रुपये मिलने शुरू नहीं हुए हैं और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये योजना कब से शुरू करेंगे, लेकिन अब लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार बहुत जल्द ये फैसला ले सकती है और बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ता जल्द ही मिलेगा। राज्य में लगभग 9 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं जिनको 3500 रुपये पर महीने मिलेंगे और इससे सरकारी खजाने पर 315 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। वित्त विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार कर लिया है और कर्ज माफ़ी की घोषणा के बाद अब जल्द ही ये घोषणा भी हो सकती है। पहले 650 रुपये मिलते थे, अब 3500 रुपये मिलेंगे और बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। अब 80 से 100 लोग प्रतिदिन आवेदन कर रहे हैं। चुनाव से पहले बेरोजगारों की संख्या 8.5 लाख के करीब थी, जो चुनाव के बाद अब 9,23,000 के करीब हो गई है। और सचिन पायलट ने कहा है कि सिर्फ बेरोजगारी भत्ता ही नहीं, हम युवाओं के लिए रोजगार क्रिएट करने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों, चुनावी साल में हमें फ़ायदा होने वाला है, चाहे रोज़गार निकालें या फिर बेरोजगार भत्ता दें या फिर किसान हो, सबको फ़ायदा होगा। क्योंकि जो भी पार्टीज़ हैं वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, चुनावों के लिए, वोट्स के लिए कुछ ना कुछ लोकहित की योजनाएं लेके आएंगी, तो फाइनली हमको उससे लाभ ही मिलने वाला है। चुनाव चले जाने के बाद तो जनता पे इनका इतना ध्यान नहीं होता है, लेकिन अब इनकी मजबूरी है, अब इनको मजदूर और किसान और छात्रों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।